ये देखो मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस पर बैठा हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने इनसे पूछा, ये कंडक्टर साहब हैं, कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी? तो बोले जी बिल्कुल हो जाएगी। अदरवाइज पहले अगर किसी से ऑनलाइन नाम ले लो तो आपको जैसे अपराधी वो घूर के देखते थे, लेकिन ये बड़ी अच्छी पहल है। और ये मैं बस में बैठा हूँ, बस एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी हम अयोध्या धाम से लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो ये उत्तर प्रदेश रोडवेज में काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि हम लोग अक्सर ट्रेवल करते रहते हैं। तो सर कितने का टिकट है अयोध्या टू चार बाग लखनऊ का? 228 रुपये। चलिए एक बना दीजिए और मैं आपका ऑनलाइन पेमेंट करके भी दिखाता हूँ इस वीडियो में। मित्रों अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी, और देखिए इनके हाथ में एक डिजिटल जो है हाईटेक मशीन भी दे दिया है। ये देखिएगा मित्रों, भाई साहब ने अपना स्कैनर आगे बढ़ा दिया है। अब मैं दूसरे मोबाइल से स्कैन कर रहा हूँ, ये देखिएगा। और इसमें अमाउंट कितना डालना है? 228 रुपये। ये देखिएगा मित्रों, बट ये उत्तर प्रदेश रोडवेज की UPSRTC की मुझे बहुत अच्छी पहल ये दिखाई पड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रॉपर, हालांकि इन्होंने, भैया ने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया है ना? आपने अपने पर्सनल अकाउंट में लिया है क्या, रोडवेज के अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट, जैसे आपकी ये जो मशीन है, लाइक जैसे इसी में अगर QR स्कैनर डाल दिया जाए? नहीं नहीं, है भी। अच्छा है भी, सर्वर नहीं रहता। आज मेरे पास कैश नहीं था, तो ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने एक्सेप्ट करी, तो इनको ढेर सारा साधुवाद। बाकी रोडवेज की हालत काफी सुधरी है। आपके यहाँ क्या स्थिति है कमेंट करके बताइए। जय जय सियाराम।